इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में जनता अपना सेवक 5 साल के लिए चुनती है उस देश में जनता का सेवक जनता को 4 साल की नौकरी देता है। जो शख्स ये कहता हो अपने लिए कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, वो युवाओं के लिए कहता है कि तुम 4 साल की नौकरी करो। क्या बात है, क्या बात। तो ये तो वही बात हो गई कि लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। 4 साल के बाद युवाओं का हाल वही होगा, लथपथ लथपथ लथपथ। युवाओं को सेना से, सशस्त्र सेना से जोड़ने और सेना के आधुनिकीकरण को लेकर एक योजना 14 तारीख को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घोषित किया, जिसका नाम है अग्निपथ। लेकिन अग्निपथ के घोषणा के साथ ही विभिन्न राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है। तो जानने वाली बात यह है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, जबकि नौसेना जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो बता रहे हैं कि बड़ा दूरदर्शी ये जो है सो योजना है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आज मोतिहारी में भी छात्रों ने बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर घेराव किया, कल फिर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है, तमाम तरह का विरोध। और केवल यही नहीं, विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में इस तरह की सूचनाएँ आ रही हैं। तो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पैनल में हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर पुरुषोत्तम जी हैं और अनिकेत, गोल्डन अनिकेत जी हैं। तो सबसे पहले सर आपसे कि आखिर इस योजना में क्या है कि विरोध हो रहा है, या फिर इस योजना को युवा नहीं समझ पा रहे हैं जिसके चलते विरोध हो रहा है। इस सरकार के साथ एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार एक नीति बना देती है, एक कानून बना देती है, जब उसका विरोध होता है तो सरकारें कहती है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसान आंदोलन में भी आपको याद होगा। और अंत में जिसकी भलाई के लिए, कथित भलाई के लिए सरकार ये कथित कानून, क्रांतिकारी कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, उसका इतना ज़्यादा विरोध होता है कि उसको वापस लेना पड़ता है, जैसे किसान कानून। इस अग्निपथ के साथ भी अब लगता है कि शायद वही चीज़ है। आरआरबी एनटीपीसी का विरोध प्रदर्शन आपको याद होगा, किसान आंदोलन में जिस तरह से हुआ वो याद होगा। इतनी जो आपने इनका वायुसेना किनकी बात की, हाँ, एडमिरल आर हरि कुमार, हाँ, उनकी बात की, वो कह रहे हैं कि दूरदर्शी नीति है। इसमें दूरदर्शी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो बिहार में पिछले 2 दिनों से आरा, छपरा, बक्सर और आज अपने मोतिहारी में भी जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब जिसको नौकरी करनी है, जिसको फायदा लेना है, वही नहीं, मतलब वो क्यों विरोध कर रहा है बिना कारण के। मतलब किसान कानून क्रांतिकारी है लेकिन किसान कह रहा है कि भाई हमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। तो ये सरकार का ये एक नियम बन गया है थर्मामीटर लगाने का कि उल्टा पुल्टा निर्णय कर लो। ये 4 साल की नौकरी क्या होता है, सरकार भी 5 साल के लिए बनती है। बिल्कुल, एक सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, 4 साल की नौकरी क्या है, वो भी सेना की जिसमें कम से कम 1 साल उसको ट्रेनिंग देने में लगेगा। वो बेचारा 3 साल में 1-2 जगह उसकी पोस्टिंग होगी, वो न सेना को ठीक से समझ पाएगा, न सारे आर्म्स को ठीक से समझ पाएगा, न वो दुश्मन देश की स्ट्रैटेजी को ठीक से समझ पाएगा। आपने जो कहा ना, ठीक उसी बात की पुष्टि रिटायर्ड मेजर जनरल सोनान सिंह है। उन्होंने कहा कि 4 साल कोई समय नहीं होता है, क्योंकि 6 महीना तो आपका ट्रेनिंग में निकल जाएगा, तो फिर वो सेना में सेवा क्या देगा, क्या देगा। वो जो एक देश प्रेम की भावना होती है, सेना देश राष्ट्र देश की सुरक्षा के प्रति जो एक इंटरनली मानांतरिक रूप से जो एक भावना विकसित होती है एक सैनिक के अंदर, वो सेना में 5-7 साल गुजारने के बाद होती है। मतलब वो और प्रगाढ़ होती है, बाद नहीं होती है, प्रगाढ़ होती है। तो शुरू में तो वो गया है, उसको साल दो साल सीखने में लगेगा। उस सीनियर जूनियर इन सब चीजों को समझने में लगेगा, अपने बॉर्डर्स को जानने में लगेगा कि कौन सा बॉर्डर कितना संवेदनशील है, कौन सा बॉर्डर कैसा है,
कौन सा आर्म्स कैसे चलाना है, किसका इस्तेमाल कहाँ कब कैसे करना है, ये सब एक अनुभव जन्य प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ आदमी सीखता है। आप 17-18 साल के बच्चे को नौकरी में लेंगे, 22 साल में उसको घर भेज देंगे, कह रहे हैं कि 30,000 रुपया 40,000 रुपया दे रहे हैं, 30% उसका काट लेंगे ईपीएफ अंशदान में, मतलब 30,000 में उसको हाथ में मिलेगा 21,000 रुपये। अब 4 साल के बाद आप उसको देंगे 10 लाख रुपए, आज से 4 साल के बाद उस 10 लाख की कीमत होगी 5 लाख रुपए, क्या करेगा वो 22 साल करेगा, का कहने का मतलब कि ये जो अग्निवीर बनने की बात है, अग्निवीर से ज्यादा कमाई तो अगर पान की दुकान कर ले तो हो जाए, वो एक अलग चीज है। नहीं ये बात आम चीज है, वो बात ठीक है, चूंकि यहाँ राष्ट्र सेवा की बात नहीं हो रही, यहाँ नौकरी की बात हो रही है। अगर राष्ट्र सेवा की सेना के रूप में बात करनी होती तो इजराइल है, ब्राजील है, रूस है, वहाँ पे अनिवार्य है कि वहाँ को कुछ समय फिक्स है कि उतने दिन सेना में सेवा देना है। हाँ ठीक है, वो एक अलग मसला है, उस पर जब कभी बात होगी तो होगी, लेकिन ये जो बात है कि 4 साल आप, मतलब आप उस एक मैट्रिक पास लड़का 18 साल का वो चला जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ वो पढ़ भी नहीं पाएगा, तो जब 22 साल वहाँ से रिटायर होकर आएगा तब भी वो मैट्रिक पास रहेगा, वो उसके बाद क्या करेगा, कहीं फिर वही गार्ड की नौकरी और इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन कितनी ज़्यादा, मतलब ये तो ये प्रक्रिया आज अगर शुरू होगी तो इसमें तो सरकार को बहुत फायदा है, पेंशन नहीं देना पड़ेगा, तमाम तरह की और सुविधाएं नहीं देनी पड़ेंगी, और पैसा भी तो आप जो दे रहे हैं वो एक सामान्य सैनिक को जो देते हैं उससे बहुत कम दे रहे हैं। कम तो है ही, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है बेसिकली, जो आज से 4 साल पहले सरकार ने और भी जगह पे लागू किया। हमने जो कहा कि अनिवार्य है बाहर में सेना में सेवा देना, आपको क्या ये नहीं लगता है कि उसी के तरफ ये जा रहा है कहीं ना कहीं मामला, क्या वहाँ देना है सेवा, वहाँ बाहर में विदेशों में ब्राजील में रूस में सेना में सेवा देते हैं तो ऐसा थोड़े है कि उसको पैसा नहीं मिलता होगा, देखिए वहाँ भी मिलता होगा। उस तरफ जो आप बात कर रहे हैं अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और सेवा की, सबको देना होगा, प्रशिक्षण नहीं सेवा की बात, सेवा की प्रशिक्षण के बाद ही होगा, सेवा की बात तो वो करने के लिए तो आपको कानून बनाना पड़ेगा, वो इतना आसान इस वक्त नहीं है, रास्ता तो उसी तरफ जा रहा है ना, हो सकता है कि ऐसा। अच्छा तो क्यों आखिर छात्र विरोध कर रहा है आपकी नज़र में, क्या है? निश्चित तौर पर जो छात्र बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, हर जगह हम लोग देखते हैं शहर कि सुबह उठकर 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दौड़ना, एक्सरसाइज करना, उसकी तैयारी करना, वो एक सुरक्षित नौकरी या भविष्य की तलाश में भी वो ऐसा करते हैं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा तो है ही कि हम जाएंगे सेना में तो देश की सेवा करेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसमें यह भी है कि हम वहाँ जो सेवा देंगे उसके बदले में हमको कुछ, या मेरे परिवार को उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, पत्नी होगी, उसकी सुरक्षा के लिए, चूंकि बड़ा रिस्की जॉब है, सीमा पर आपको जाना है, युद्ध हो सकता है, आंतरिक दिक्कतें हो सकती हैं, उस वजह से जान जा सकती है, विकलांगता हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उनको एक आर्थिक सुरक्षा तो चाहिए। उसके लिए तो बोल रहे हैं ना कि 1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, अगर उस तरह ऐसी स्थिति होने पर जी, लेकिन उसके अलावा 4 साल के बाद आप उसको क्या दे रहे हैं? 22 साल का लड़का जो नौकरी छोड़ कर आएगा वो आगे क्या करेगा? आप उसको गार्ड बनाएंगे? वही मतलब आप प्राइवेट सेक्टर को गार्ड की आपूर्ति के लिए काम करने जा रहे हैं तो सेना में उसको लेने की क्या जरूरत है? इसका मूल रूप से जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस खर्च आएगा ट्रेनिंग में, तो इसका मूल रूप से हमको लाभ लगता है कि देश को मिले या फिर कहीं और इसका योगदान हो सकता है? नहीं, कहीं और नहीं, ये सेना है, आर्मी बहुत प्रोफेशनल होती है और आर्मी बाकी के नौकरी से अलग नौकरी है, ये पुलिस की बात नहीं है कि जब हम बॉडीगार्ड देते देते या मान लीजिए कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट बने, कंपनियां बनी, उनको सुरक्षा के लिए गार्ड्स चाहिए था, पुलिस उतनी संख्या में हमारे पास नहीं थी, तो हम लोगों ने वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बिल को कानून बनाया उसको, और प्राइवेट पार्टीज को ये अधिकार दिया कि आप सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती कर सकते हैं, उनका भी बाकायदा प्रशिक्षण होता है, उसमें भी पूर्व सैनिक जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वैसा करना है तो कानून है ऑलरेडी, लेकिन सेना में भर्ती करके
सेना के इंटरनल स्ट्रक्चर में उन लोगों को शामिल करके और सिर्फ 4 साल बाद वापस भेज देना, इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या इस नियम को बनाने वाले लोगों ने इसका कोई असेसमेंट किया है? अगर किया है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या क्या? सर, साफ तौर पे जहाँ तक मैंने इस पर स्टडी किया है, मेरे को लगता है कि सरकार बहुत सारी नीतियों में असफल होते जा रही है, उसे छुपाने का एक बेहतर एजेंडा है। जैसे रिटायर्ड सैन्यकर्मी, उनका जो वेतन भत्ता होता है उसका भी एक बर्डन सरकार के ऊपर पहले से पड़ा हुआ था, तो उसको ख़त्म करने का, साथ में ये जो शोर मचा हुआ है कि भाई 21 साल 22 साल 18 साल 19 साल के बच्चे जो है नहीं जा पा रहे हैं आर्मी में, इसको भी ख़त्म करने का, तो दोहरी नीति सरकार इसमें चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेना में भर्ती होना ये आसान चीज़ नहीं है, एक जज्बे को दर्शाता है, उस जज्बे को दर्शाता है कि अगर किसी का बेटा सेना में है उसके लिए गर्व की बात होती है, फख्र की बात होती है। और ऐसे संस्थान के साथ ये सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, खिलवाड़ करना इन द सेंस कि यही प्रयोग अगर करना था तो ये प्रयोग वो पैरामिलिट्री के साथ भी कर सकते थे। सेना में 4 साल की नौकरी देना, 6 महीने का ट्रेनिंग देना, 6 महीने का ही ट्रेनिंग है, बताया गया है कि 6 महीने में जो है ट्रेनिंग दे करके उनको जो है प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, वो तैयार हो जाएंगे। हमारे सामने बड़े बड़े दो देश हैं, एक चाइना का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान भी पड़ा हुआ है, तो उन देशों से 6 महीने के ट्रेनिंग में एक योद्धा तैयार हो जाना और उसी जज्बे के साथ जिस तरह से पुराने आर्मी के लोग हैं, क्या उसी तरह से लड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल है सवाल ये। एक बात ये आ रही है कि अभी जो भारतीय सेना में तीनों सोलह को मिला के जो सैनिक हैं उनका अगर औसत उम्र निकाला जा रहा है तो वो 32 वर्ष हो रहा है, और इन लोगों के आ जाने से वो औसत जो है सब बहुत घट जाएगा, मतलब युवा आएंगे, मतलब कि युवाओं का सेना में युवाओं का समावेश ज़्यादा हो, एक ये भी बात कही जा रही है। ये बात अच्छी है कि समावेश ज़्यादा हो, लेकिन 4 साल बाद उनका भविष्य कहाँ जाएगा, तो मेंटल हरास की भी बात है सर। एक बच्चा जो है 17.5 साल की उम्र में अगर सेना में जाता है, 4 साल की नौकरी करता है, 6 महीने उसमें वो उसको तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, फिर वो वापस आता है, तो ये जो 3 साल का पीरियड उसका सेना में रहेगा, 3.5 साल का जो कर्म में, उसमें वो जो बच्चा है वो जो वहाँ पे पहुँचा है, क्या वही जज्बा रहेगा उसके साथ जो पुराने आर्मी के? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिजनेस प्रोपेगेंडा या जॉब के लिए सिर्फ जाना सेना में ये उचित नहीं है। ये इस पर टेलीग्राफ में कल एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट छपी है जिसमें सेना के बहुत वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों ने यही सब सवाल उठाए हैं कि भाई आप इस तरह से, मतलब सेना आपके प्रोफेशनल उसके लिए नहीं है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का जरिया सेना नहीं है कि हमको नौकरी देनी है। आपने जो बात कही ना, या फिर जो टेलीग्राफ में जो जो छपा है उसकी पुष्टि एक और चीज करता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने पहले ही एक मुलम्मा दे दिया कि जो 4 साल के बाद वहां से लौट के आएंगे सैनिक उनको मध्य प्रदेश पुलिस में बहाली में प्राथमिकता दी जाएगी। उसी तरह असम और मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एजेंडा अगर आप मानते हैं तो इन लोगों को इसकी जानकारी थी और इसीलिए मुलम्मा दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की आदत हो गई है थर्मामीटर सटाकर देखने की कि तापमान कहाँ तक बढ़ता है। अब ये पिछले 1-2 दिन की बात आप बता रहे हैं कि इस तरह से सरकारें कह रही हैं, वो तब जब बिहार से ही शुरू हुआ है विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने जो बेसिकली सेना की तैयारी करने वाले छात्र उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया है, तो ये तैयारी, ये सरकार को अंदेशा रहा होगा बिल्कुल कि हम ऐसा ला रहे हैं तो इसका विरोध होगा। अब उस विरोध को शांत करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह की बातें कर रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, सेना के रिटायर्ड जवानों को क्या प्राथमिकता नहीं मिलती रही है पहले? बिल्कुल मिलती रही है, तो ये कौन सी नई बात है? शुरुआत बिहार से ही हुआ है। और आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाना चाहिए कि आपके यहाँ कितने सैंक्शनड पोस्ट, कितने लाख रिक्त पड़े हुए हैं, आप भर्ती किया पुलिस समेत सारे असैनिक पड़े हुए हैं, आप भर्ती किया आज तक नहीं किए और आप चले हैं ये अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए, तो ये जो गुस्सा पनप रहा है इसको
न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के बयान दिया जा रहा है। बहुत बेसिक सी बात है सर, देश के सबसे बड़े संस्थान का ध्रुवीकरण करना इसको नहीं कह सकते। ध्रुवीकरण नहीं है, नहीं मतलब, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है ना कि सेना जो है वो पॉलिटिक्स से अलग का चीज होना चाहिए और है, जैसा कि रिटायर्ड जो पुलिस पदाधिकारी हैं सॉरी सेना के जो अफसर हैं वो कह भी रहे हैं, लेकिन ये परंपरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सर आप खुद सोचिए कि हर साल मतलब चार साल के बाद हर साल 30,000-40,000 लोग जो हैं वो रिटायर होकर के वहाँ से निकलेंगे, 22-23 साल के लड़के, 10-11 लाख रुपया जरूर उनके पास होगा, लेकिन आज से 7-8 साल के बाद उस 10 लाख रुपये का वैल्यू क्या होगा, पहली बात तो वो ये है। दूसरी बात, उनको कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो जब आएंगे और उस समय जब अपने भविष्य को लेकर के, अच्छा हमारे यहाँ शादी की उम्र भी जो है वो एवरेज जो है 25 हो गया है कम से कम लड़कों की, उस समय वो आएंगे शादी ब्याह करेंगे, उनका जो है खर्च बढ़ेगा, और जरूरी नहीं है कि सबको शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जो है जो सरकार को नियुक्ति करते ही नहीं है अपने यहाँ, तो कितनों को आप एडजस्ट करेंगे अपने यहाँ पर प्रायोरिटी दे करके, तो जो बेरोजगार लोग रह जाएंगे वो क्या करेंगे? बेरोजगार लोग रह जाएंगे उसको अगर आप मतलब आप एक फ्रस्ट्रेटेड समाज का निर्माण करेंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल, और उसका असर बहुत खराब हो सकता है, भी हो सकता है, हो सकता है संस्था में भी सर। अगर मान लीजिए जैसे कोई वहीं पे 20-30 साल के लिए नौकरी कर रहा है या वहीं पे कोई जाके 4 साल के लिए नौकरी कर रहा है और रहना है एक ही घर में, ये भी अहम मामला है। ये जो 20 साल वाले हैं क्या वो 4 साल वालों को मतलब सम्मान दे पाएंगे? हाँ, ये एक अंतर आएगा। ये शिक्षक जो शिक्षा प्रणाली में हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर हैं और शिक्षा मित्र समान कार्य समान वेतन की जो बात है वहाँ तो फिर ये बवेला बढ़ेगा, झंझट होना ही होना है। ये देश के हित में, सेना के हित में, छात्रों के हित में, समाज के हित में कहीं से ये निर्णय नहीं है, इनको तत्काल वापस लेना चाहिए, अन्यथा इससे आगे चल के हमको लगता है कि देश का कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। अब समाज देश का नहीं, समाज में एक विकृत मानसिकता के युवाओं का भरमार हो जाएगा, क्योंकि जब वो कमा के आएंगे और फिर अपने को खाली हाथ यहाँ पाएंगे तो निश्चित रूप से उसको विकृत मानसिकता। इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में जनता अपना सेवक 5 साल के लिए चुनती है उस देश में जनता का सेवक जनता को 4 साल की नौकरी दे रहा है, इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे आपने कहा कि इस स्थिति में इस कानून को वापस लेना चाहिए, आपने भी बताया ये नीति है, मैं जो नीति है कानून नहीं कहेंगे, जो कार्यक्रम है योजना है इसको वापस होना चाहिए, वापस लेना ही चाहिए, वरना मतलब वही बात जो मैंने कहा कि 5 साल और 4 साल की, मुझे याद है कि अमित शाह ने एक बार कहा था कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आए, तो जो पार्टी जो शख्स ये कहता हो अपने लिए कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे, वो युवाओं के लिए कहता है कि तुम 4 साल की नौकरी करो, क्या बात है, क्या बात। तो ये तो वही बात हो गई कि लथ पथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, 4 साल के बाद युवाओं का हाल वही होगा, लथ पथ। ऐसा न करें मोदी जी, और वो तत्काल इसको तो कहने का मतलब है कि अग्निवीरों को लथपथ की स्थिति में न लाया जाए और जो युवाओं का आक्रोश जो भड़ास निकल रहा है वो कहीं विकराल रूप ले लेगा तो निश्चित रूप से यह भी इस स्थिति पर भी काबू पाना मुश्किल होगा। इसलिए कि जब युवा वर्ग जब आंदोलित होता है तो उसको रोकना आसान नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, नमस्कार।